हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सुनील ट्यूटोरियल और मैं हूं सुनील। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस से फिल्मोरा 11 के लेटेस्ट वर्जन को फ्री में यूज कर सकते हो। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं मैक्स जितने भी ट्यूटोरियल्स होते हैं वो मेरे फिल्मोरा के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। तो अगर आप भी फिल्मोरा को फ्री में यूज करना चाहते हो विदाउट वाटर मार्क, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं कोई भी क्रैक या कोई भी पैच के बारे में नहीं बताने वाला हूं और वो आपको करना भी नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन करना होगा और यहां पर आपको सर्च करना होगा फिल्मोरा 11 बीटा। जैसे आप ये टाइप करके सर्च करोगे आपको यहां पर पहले एक दो वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, जो कि एक एड वाला है और दूसरा है बी द फर्स्ट टू ट्राई फिल्मोरा 11 बीटा। आपको इस पर क्लिक करना होगा। अभी तक फिल्मोरा 11 का स्टेबल वर्जन नहीं आया, रिलीज भी नहीं हुआ है, बट फिल्मोरा 11 का बीटा वर्जन रिलीज कर दिया गया, जिसे आप डाउनलोड करके यूज करके अगर फीडबैक देते हो तो आपको $100 तक का गिफ्ट कार्ड मिलेगा, ये फिल्मोरा 11 का लाइसेंस मिल जाए या और भी बहुत कुछ आप जीत सकते हो। यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें इनरोल कैसे कर सकते हो, इनरोल करने के चांसेस क्या है और जितने के चांसेस क्या है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड के नीचे ही आपको दो बटन दिया हुआ है, चेक द सिस्टम रिक्वायरमेंट और दूसरा एग्रीमेंट। मैं पहले आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में बता देता हूँ। इस पर क्लिक कीजिए आप और यहाँ पर आपको सबसे नीचे डाल देगा। तो मैं यहाँ पर आपको मैक और विंडोज दोनों के सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में बता देता हूँ। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो जिसमें आपका विंडोज 7, 8, 10, 11 64 बिट चाहिए और इसमें आपका प्रोसेसर इंटेल i3 ये उससे बेहतर है तो और भी अच्छी बात है, दोनों में चलेगा, i3 हो या उससे बेहतर सब में चलेगा। 6th Gen का प्रोसेसर होना चाहिए ऐसा बोला गया, बट मैं इसे 3rd Gen में भी चला रहा हूँ तो आप सोच सकते हो। बट अगर आप इसमें फीडबैक देना चाहते हो, इसे जीतना चाहते हो, तो 6th Gen एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए 4SD एंड 4K वीडियोज के लिए। उसके बाद आपके कंप्यूटर में 4GB रैम होना चाहिए। 4K एंड SD वीडियोज के लिए 8GB रैम रिक्वायर्ड होता है, जो कि मेरे सिस्टम में है अभी भी। उसके बाद इंटेल का SD ग्राफिक्स 5000 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, NVIDIA का GT 700 या AMD का R5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, 2GB VRAM मतलब ग्राफिक्स कार्ड का 2GB VRAM वर्चुअल रैम होना चाहिए, 4GB रिक्वायर्ड होता है 4K रिकॉर्डिंग के लिए। ये ग्राफिक्स कार्ड का VRAM मतलब VRAM जहाँ पे आ गया मतलब वो वर्चुअल रैम होता है ग्राफिक्स कार्ड का। उसके बाद आता है डिस्क एटलीस्ट 10GB, ये तो सबके पास कंप्लीट मिलेगा, इससे दुगुना तीन गुना ज़्यादा ही मिलेगा। उसके बाद हमारा लास्ट इंटरनेट कनेक्शन, जो कि आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और मैं आपको मैक के लिए बता देता हूँ, वही सेम चीज़ है, इसमें आपको वही देखने को मिल जाएगा जो कि आपको सभी में देखने को मिला था, सिमिलर चीज़ें हैं इसमें भी। इसमें मैक के वर्जन दिए हुए जो कि वे सपोर्ट करता है, ये बाकी सब कुछ सिमिलर ही है। अब मैं आपको इसमें इनरोल करने का तरीका बता देता हूँ। इसमें इनरोल करने में ऐसा नहीं कि अगर आपने फिल्मोरा 10 को बाय कर रखा है तो आप फिल्मोरा 11 फ्री में जीत सकते हो, या किसी ने पहले से ही पुराना वर्जन ले रखा है और वो इजीली जीत जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इनरोलमेंट टाइम के हिसाब से नहीं, रेंडमली सेलेक्ट किया जाएगा, जो फीडबैक देता रहेगा समय के हिसाब से, ऐसा एग्रीमेंट में है। आप एग्रीमेंट पर क्लिक करके इसे पढ़ सकते हो, यहाँ पर आराम से आप पढ़ सकते हो। अब ये एग्रीमेंट बहुत लंबा चौड़ा है, इसको मैं शॉर्टकट में पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। आपको पढ़ना भी नहीं है, चाहे आप हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में पढ़ सकते हो या इंग्लिश में, आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ने का काम कोई और कर देगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कर दीजिए, न्यू टैब ओपन कर लीजिए और यहाँ पर TR डाल दीजिए ट्रांसलेटर, यहाँ पर हमारा ट्रांसलेटर, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये पेस्ट हो चुका है। अब ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में पढ़ लीजिए, नहीं, बहुत से लोग होते हैं जो कंप्यूटर चलाते हैं बट ज़्यादा अच्छे तरीके से इंग्लिश वो पढ़ नहीं पाते, उनके लिए ट्रांसलेटर भी अच्छा। और इसमें एक और भी फीचर है जो आप दोनों के लिए अच्छा, जो इंग्लिश हिंदी दोनों जानते हैं, तो आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना है। यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर स्पीकर का ऑप्शन दिया हुआ है दोनों में, अगर आप इंग्लिश में से सुनना चाहते हैं। No purchase is necessary to enter or win. A purchase will not increase your chance of winning. To enter, you must be above the age of majority in your jurisdiction. जैसा कि आपने सुन लिया होगा कि इसमें पहले बता दिया गया, जीतने के लिए, विजेता बनने के लिए, ये जरूरी नहीं कि आपने इसे बाय कर रखा है, खरीद रखा है, और ना ही ये उस पर डिपेंड करता है इसके विनिंग चांस। और आपका जो एज होना चाहिए वो 18+ होना चाहिए।
और आप इसे हिंदी में भी सुन सकते हो। प्रवेश करने या जीतने के लिए कोई खरीद आवश्यक नहीं है। एक खरीद आपके जीतने की संभावना को नहीं बढ़ाएगी। जैसा कि आपने सुन लिया, अगर आप खरीद भी लेते हो तो आपके जीतने के चांसेस को ये नहीं बढ़ा पाएगा। अगर मान लीजिए आपने इसे खरीद रखा है, उसमें जीतने के चांसेस क्या, आपको उसमें वंडर शेयर का जो फिल्म स्टॉक है उसमें से आपको कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, फॉन्ट्स वॉन्ट्स म्यूजिक व्यूजिक ये सभी चीज़ आप प्रीमियम वाला आपको फ्री में मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके से $100 गिफ्ट कार्ड आपको गिफ्ट कार्ड मिलेगा अमेजोन का। अमेजोन से आप कुछ भी बाय कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको $100 मिलेगा। तो अगर आपको भी फिल्मोला फ्री में यूज़ करना है तो ये सही ऑप्शन है। ये आपको विदाउट वाटर मार्क देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसका इंस्टॉलेशन वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको टेक सॉल्यूशन चैनल पर दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे ही मेरे नए वीडियोस अपलोड होंगे नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और आप मुझे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हो, सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।